नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है और मैं हूं कृतिका शर्मा। सो मैं आपको बताना चाहती हूं, दिस इज़ द सिक्स्थ वीक ऑफ टारगेट HS 2020 रिविजन टेस्ट सीरीज़। सो ये O2IS Academy का एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो आने वाले एग्जाम्स में अपियर करने वाले हैं, लेकिन उनका हिमाचल का सिलेबस जो है वो पूरा नहीं हुआ है। सो इसी में हमने इसे शेड्यूल किया था 8 वीक्स के लिए, एंड दिस इज़ द सिक्स्थ वीक गोइंग ऑन। इसमें हम डेली आपको 10 क्वेश्चन का क्विज़ प्रोवाइड करते हैं, एंड इस वीक का जो क्विज़ है इट इज़ डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी एंड हिज टीचिंग्स। अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं सो वो ऊपर आपको आई बटन में अवेलेबल मिलेंगे। आपको इन लेक्चर्स का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, जिसका ये लिंक है, इट्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके अलावा आप जानते हैं कि 21 डेज़ का लॉकडाउन देखा जा रहा है इंडिया में, एंड आपकी पढ़ाई जो है वो सफ़र ना हो, बिकॉज ऑब्वियसली यू गाइज आर स्टेइंग होम एंड बीइंग द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। इसी के लिए बहुत सारा जो पेड मटेरियल है वो फ्रीली अवेलेबल कर दिया है आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पर जाकर आप स्टडी मटेरियल चेक कर सकते हैं, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल जस्ट फॉर यू गाइज। उसके अलावा जो लोग मेंस अलाइड मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको हमारी एक टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी उसी ऐप पर, एंड बहुत सारे जो स्टडी मटेरियल है, अगर आपको कोई बुक्स रेफ़र करनी है उसकी भी आपको यहाँ पर वीडियोस अवेलेबल हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियोस भी आपके पास हैं, एंड देर इज़ अ न्यू वीडियो जो अभी आई है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि महात्मा गांधी जो उनकी गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर मेंस रिलेटेड वीडियो चाहिए, सो वो भी हमने यहाँ पर की है। गाइज एक और जो न्यूज़ आ रही है दैट इज़ हंता वायरस, उसके ऊपर भी एक नई वीडियो आई है, गो एंड चेक इट आउट। सो आइए करते हैं आज का क्विज शुरू। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज इज व्हाट डिड गांधी जी ब्रॉडली मीन बाय राम राज्य। सो आपके ऑप्शंस हैं रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, सोवरेनिटी ऑफ पीपल बेस्ड ऑन प्योर मॉरल अथॉरिटी, रूल ऑफ राम और द रूल ऑफ मेजॉरिटी। सो द करेक्ट आंसर इज सोवरेनिटी ऑफ पीपल बेस्ड ऑन प्योर मॉरल अथॉरिटी। सो गांधी जी का ड्रीम जो राम राज्य का था, उनका मतलब था सेल्फ रूल और स्वराज से। वहाँ पर वो बात करते हैं स्टेटलेसनेस की। सो स्टेटलेस सोसाइटी क्या होती है, वहाँ पर किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, जब सोसाइटी में नॉन वायलेंस होगा, जब ज़रूरत ही नहीं होगी ऊपर वाले स्ट्राटा की। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं वो यहाँ पर, और लोगों की जो फुल मॉरल अथॉरिटी होगी किसी भी जगह को चलाने के लिए। जैसे कि आपको पता है वो आइडियल सोसाइटी में बिलीव करते थे, जहाँ पर नॉन वायलेंस होगा, जहाँ पर लोग जो हैं अपना काम करेंगे, खुद ही प्रोड्यूस करेंगे एंड देन बाद में खुद ही कंज्यूम करेंगे। सो इसी को जो गांधी जी हैं वो राम राज्य कहा करते थे। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। गांधी वॉज ऑफ ओपिनियन। सो आपके ऑप्शंस हैं नॉन वायलेंस इज़ द वेपन ऑफ द ब्रेव, वीक पर्सन कैन नॉट बी वायलेंट, नॉन वायलेंस एट एवरी कॉस्ट इज़ डिज़ायरेबल, या फिर नॉन वायलेंस इज नॉट अ हाइएस्ट वर्च्यू। सो द करेक्ट आंसर इज नॉन वायलेंस इज द वेपन ऑफ ब्रेव। सो आपको पता ही है कि गांधी जी ने सत्याग्रह को भी डेवलप किया था, और वो अहिंसा नॉन वायलेंस ट्रूथ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अहिंसा दैट इज़ नॉन वायलेंस, वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लेके आए थे गांधी जी, वो ऑलरेडी हमारे जो रिलीजन है हिंदुज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, इनमें ऑलरेडी एम्बेडेड था। लेकिन गांधी जी ने ये रियलाइज़ किया कि ये बहुत ही एक्टिव सोशल टेक्निक हो सकती है, जिससे आप पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ को चैलेंज कर सकते हैं एंड आप चेंज लेकर आ सकते हैं। इसी के लिए उन्होंने जो टेक्निक बनाई थी उसे उन्होंने सत्याग्रह कहा था। आवर थर्ड क्वेश्चन इज हु सेड इफ एवर देयर वाज अ प्लानर विदाउट इलैबोरेट ब्लूप्रिंट्स गांधी वाज द वन। सो आपके ऑप्शंस हैं बुद्धा देवा भट्टाचार्य, NK बोस, JB कृपलानी, या फिर रघुवन एन नैयर। सो द करेक्ट आंसर इज JB कृपलानी। सो यहाँ पर उन्होंने ये बात कही है कि गांधी जी जो थे वो एक सोशल साइंटिस्ट नहीं थे कन्वेंशनल सेंस में कि वो कोई प्लान बनाएंगे, लेकिन उनका जो एक नज़रिया था इकोनॉमी को लेके या फिर लोगों को लेके वो बहुत ही सही तरीके से बैठता था। JB कृपलानी ने एक आर्टिकल भी लिखा है गांधी जी पर। सो आगे बढ़ते हैं आर फोर्थ क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ वॉर विदाउट वायलेंस। सो आपके ऑप्शंस हैं प्यारेलाल, महादेव देसाई, KL श्रीधानी, या फिर KS भारती।
सो द करेक्ट आंसर इज KL श्रीधानी. सो यहाँ पर उनकी बुक का नाम देख सकते हैं हम, दैट इज वॉर विदाउट वॉयलेंस, अ स्टडी ऑफ गांधीज मेथड एंड इट्स अकॉम्प्लिशमेंट्स. सो ये यहाँ पर उन्होंने बुक लिखी है. इसमें उन्होंने गांधी जी की थ्योरीज और उनकी प्रैक्टिसेस लिखी हैं पॉलिटिकल डिवाइस में. तो उनके पॉलिटिकल डिवाइस थे क्या एक्चुअली, वही नॉन वॉयलेंस सत्याग्रह, और लिखा है उन्होंने नॉन वॉयलेंट डायरेक्ट एक्शन के गांधी जी के बारे में. आगे बढ़ते हैं आर फिफ्थ क्वेश्चन, पैसिफिज्म एम्फेसिस. सो आपके ऑप्शंस हैं रिफ्यूजल टू पार्टिसिपेट इन वॉर, प्रमोशन ऑफ पैसिफिक ओशन, द फिलोसफी ऑफ नॉन वॉयलेंट रेजिस्टेंस, या फिर द फिलोसफी ऑफ टिट फॉर टैट. सो द करेक्ट आंसर इज रिफ्यूजल टू पार्टिसिपेट इन वॉर. सो ये भी वही बात आ गई, अहिंसा की बात की जा रही है यहाँ पे, जो कि कोर फिलॉसफी है हिंदुइज्म की, बुद्धिज्म की एंड जैनिज्म की. सो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है पैसिफिज्म, दिस इज ऑपोजिशन टू वॉर. सो जैसे कि गांधी जी को बहुत बार कहा जाता है कि ही इज़ दी पैसिफिस्ट रूलर, सो उसका मतलब है ही इज़ ऑपोजिट टू वॉर. सो आगे बढ़ते हैं आर सिक्स्थ क्वेश्चन, गांधीज फैमिली टू सेंड हिम इंग्लैंड टू स्टडी लॉ वॉज एडवाइज बाय. सो आपके ऑप्शंस हैं लक्ष्मीदास, माजवी दावे, विलेज प्रिस्ट, या फिर मोतीलाल नेहरू. सो द करेक्ट आंसर इज मावजी दावे. तो मावजी दावे थे कौन, ही वॉज अ श्रूड एंड लर्न ब्राह्मण. वो एक ओल्ड फ्रेंड थे, एडवाइजर ऑफ द फैमिली थे. तो गांधी जी के फादर की जब डेथ हो जाती है वो उसके बाद भी कॉन्टैक्ट में रहते हैं, और वैसे ही जब वो छुट्टियों में आते हैं उनके फैमिली के पास बैठते हैं तो वहाँ पर वो बताते हैं कि वो अपने बेटे को इंग्लैंड भेज रहे हैं लॉ स्टडी करने के लिए, और वो वहाँ से बैरिस्टर बनकर आएगा. सो ये चीज़ वो गांधी जी को भी कहते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, और सोचो ज़रा जब तुम इंग्लैंड से सूट बूट पहनकर बैरिस्टर बनकर आओगे. सो ये चीज़ जो है गांधी जी की फैमिली में अच्छे से घर कर जाती है, एंड बाद में वो उन्हें इंग्लैंड भेजते हैं. मूविंग फॉरवर्ड आर सेवन्थ क्वेश्चन, द इंडियन कम्युनिटी ऑफ द ट्रांसवाल decided to send the two-member deputation to England to explain its case in respect of ordinance of imperial government. The deputation left for England in October 1906. One member was Gandhi ji, who was the other member. So, आपके options हैं अब्दुल घानी, एच ओ अली, अब्दुल्ला हाजी अदम, या फिर पारसी रुस्तम जी. So, the correct answer is एच ओ अली. सो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं कि एक्चुअल में पूरा केस सिनेरियो क्या था. तो यहाँ पर बात हो रही है ट्रांसवाल एरिया की, वो एक प्रोविंस है साउथ अफ्रीका का. वहाँ पर एक एक्ट पास होता है जिसका नाम है द एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1906. इस एक्ट के अंडर एवरी एशियन मैन वुमन एंड चाइल्ड जो 8 साल से ऊपर है, उन्हें जो ट्रांसवाल में रह रहे हैं उन्हें रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा ऑफ एशियाटिक, और वहाँ पे एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. बाद में जो विमेन है, जो फीमेल्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा जो है रूल्स को बेंड किया जाता है, लेकिन जो मेल्स हैं उन्हें कहा जाता है कि उनके पास तो एक थंब प्रिंटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए उनकी आइडेंटिटी का, अदरवाइज उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा. सो यहाँ पर बहुत ही आप देख सकते हैं कि इनटॉलरेबल ह्यूमिलिएशन जो था वो इंडियन कम्युनिटी के, बेसिकली एशियाटिक कम्युनिटी के खिलाफ देखा जा रहा था. सो यहाँ पर सत्याग्रह जो इन साउथ अफ्रीका बुक है गांधी जी की, वहाँ पर उन्होंने उस एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा है, क्योंकि वहाँ पर इतनी ह्यूमिलेशन हो रही थी. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके कुछ वर्ड्स हैं, उसमें उन्होंने लिखा है कि पहले डिसाइड किया जाता है कि किस किस को भेजना है, लेकिन लास्ट में मिस्टर एच ओ अली और वो गांधी जी खुद जाते हैं जो वहाँ पर पूरी हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे. सो ये जो एक्ट था बाद में रिपील भी किया जाता है बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1908, लेकिन बाद में थोड़े ही टाइम के बाद उसे फिर से इनएक्ट कर दिया जाता है. सो आगे बढ़ते हैं आर एट्थ क्वेश्चन, गांधी जीज फर्स्ट सत्याग्रह ऑन इंडियन सॉइल. सो आपके ऑप्शंस हैं बरदोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, या फिर अहमदाबाद मिल ओनर स्ट्राइक, या फिर सॉल्ट सत्याग्रह. सो द करेक्ट आंसर इज चंपारण सत्याग्रह. सो जब 1915 में वापस आते हैं गांधी जी साउथ अफ्रीका से, तो वो देखते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया है उसके पीजेंट्स जो हैं वो बहुत परेशान हैं.
जो इंडिगो उन्हें उगाने के लिए कहा जा रहा है उसकी वजह से उनकी कोई फार्मर्स की कोई इनकम ही नहीं है। सो 1917 में वो चंपारण सत्याग्रह शुरू करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्ट भी माना गया है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। सो वहाँ पर जो बिहार में ऑलरेडी फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पर गांधी जी जाकर सत्याग्रह शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द नाइन्थ क्वेश्चन इज हु इम्प्रेस्ड अपॉन गांधी जीज माइंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेड लेबर। सो आपके ऑप्शन हैं जॉन रस्किन, लियो टॉल्स्टॉय, विनोबा भावे या फिर थोरो। सो द करेक्ट आंसर इज लियो टॉल्स्टॉय। सो यहाँ पे ब्रेड लेबर का आप थोड़ा कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, तो वो इसमें जो इसका मीनिंग है दैट इज उसी इंसान को ब्रेड मिलनी चाहिए जो कुछ काम कर रहा है, जो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। सो ये पहले जो है टॉल्स्टॉय इसके बारे में बात कर चुके हैं, एंड गांधी जी जो थे वो टॉल्स्टॉय से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे, बहुत ही ज़्यादा उनसे इंस्पिरेशन लिया करते थे। तो वहाँ पर टॉल्स्टॉय ने भी कहा है द मैन हु एब्स्टेन्स फ्रॉम मैनुअल लेबर्स इज अ थीफ ऑफ सोसाइटी। तो उन्हीं को कोट करते हुए गांधी जी ने कहा कि ब्रेड लेबर ओनली दोज मैन डिजर्व टू ईट ब्रेड हु एक्चुअली टिल द ग्राउंड स्पिन क्लोथ एंड प्रोड्यूस थिंग्स। सो यहाँ पर देखा गया है कि जो टॉल्स्टॉय की फिलॉसफी है एनार्किज्म की वो कुछ सेम सेम है गांधी जी की फिलॉसफी सर्वोदय की। सो सर्वोदय मतलब सबका विकास। सो यहाँ पर वो लियो टॉल्स्टॉय से इम्प्रेस थे। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज इज इन विच फॉर्म डिड गांधी जी वॉन्ट द कांग्रेस टू वर्क आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो आपके ऑप्शन हैं ग्राम विकास संस्था, सर्वोदय संस्थान, लोक सेवक संघ या फिर हिंद कल्याण दल। सो द करेक्ट आंसर इज लोक सेवक संघ। सो गांधी जी की मृत्यु होने से पहले उन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन फॉर लोक सेवक संघ। वो चाहते थे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो डिसॉल्व हो जाए, वो एज ए पॉलिटिकल पार्टी आगे कंटिन्यू ना करें। सो उन्होंने लोक सेवक संघ के लिए कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशंस भी रखी थी, और भी रखी थी लेकिन कुछ इस टाइप की थी दैट ही शैल कीप अ रिकॉर्ड ऑफ हिज वर्क फ्रॉम डे टू डे, और वो जैसे विलेजर्स जो हैं हर एक को पर्सनली जानता हो, और इस तरह का मीन्स छोटे एरिया पे विलेज एरिया पे बात की गई थी। सो वहाँ पे लोक सेवक संघ बनाने की बात की गई थी। सो गाइस दैट इज़ इट फॉर टुडे। हमने